नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में हम लोग फोटो में डायरेक्टली कैमरा रॉ को कैसे ओपन करेंगे। कैमरा रॉ फिल्टर जो होता है उसे हम लोग फोटो में डायरेक्टली कैसे ओपन करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि फोटोशॉप सीसी के अंदर या जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का, उसमें होता क्या है, जब हम लोग कोई भी फ़ोटो को ओपन करते हैं, फाइल में जाते हैं, फिर हम लोग ओपन में क्लिक करते हैं, करने के बाद कोई भी एक फ़ोटो लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो है, देखिए इस पर क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो तो खुल गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग कैमरा रॉ या शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ये कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारा कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली जैसे ही हम लोग फ़ोटो को ओपन करें साथ में कैमरा रॉ भी खुल जाए, ओपन हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ जो बहुत काम आएगा। तो जब भी आप फोटोशॉप सीसी के अंदर फाइल में जाइए, फाइल मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए ओपन है और एक है ओपन एज। याद रखिएगा, डायरेक्टली अगर आपको कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करना है फ़ोटो में तो ओपन के बजाय आपको ओपन एज पे क्लिक करना होगा। ओपन एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद यहाँ से जो भी फ़ोटो को आपको ओपन करना है, जैसे इसको ओपन करना है साथ में कैमरा रॉ भी इसी के साथ ओपन हो जाए, तो फ़ोटो को आप सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो का नाम यहाँ पे आ जाएगा फाइंड नेम में, और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये जो ओपन के ठीक नीचे यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। याद रखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है ओपन एज के ऑप्शन के माध्यम से, फाइल नेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउन बटन पे, और यहाँ से आपको यहाँ पे आपको चूज़ करना है कैमरा रॉ। देख सकते हैं कैमरा रॉ है, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए कैमरा रॉ आ गया। अब ओपन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोटो के साथ साथ कैमरा रॉ फिल्टर जो है वो भी ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए साथ में देखिए कैमरा रॉ जो फिल्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे साथ में ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको जो काम करना है यहाँ से आप कैमरा रॉ में के माध्यम से जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका है। मतलब होता है जनरली हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं, फिर जाके फिल्टर में जाके हम लोग फिर कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करते हैं। लेकिन सिंपल तरीका जो मैं अभी आपको मैंने बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंपली आप फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ओपन ना करके ओपन एज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, जो भी फ़ोटो है जहाँ पे भी आपने रखा है चूज़ कर लीजिए। जैसे ये फ़ोटो है, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यहाँ पे देखिए जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से देखिए कैमरा रॉ ऑलरेडी यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, कैमरा रॉ आ चुका है यहाँ पे, उसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैं ओपन किया, देखिए साथ में देखिए कैमरा रॉ फिल्टर भी यहाँ पे, कैमरा रॉ फिल्टर का यहाँ पे देख सकते हैं विंडो भी फ़ोटो के साथ साथ ओपन हो चुका है। अब सिंपली जो भी आपको काम वगैरह जो भी करना है, चेंजेस वगैरह जो करना है, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो भी करना है, उसके बाद आप ओपन इमेज पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वो इमेज यहाँ पर खुल चुका है। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया फोटोशॉप सीसी के अंदर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं फोटोशॉप सीसी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।